अच्छा ध्यान और सोशल वर्क। आप न्यूक्लियर फैमिली के पक्षधर हैं कि ज्वाइंट फैमिली के पक्षधर हैं, और क्यों? जिसके पक्षधर हों क्या कारण है जिसको आप इसको ज़्यादा अच्छा और उचित समझते हैं समाज सामाजिक व्यवस्था के लिए, न्यूक्लियर फैमिली या संयुक्त परिवार? सर संयुक्त परिवार। क्यों सर? संयुक्त परिवार की जो अवधारणा है उसमें सर सिक्योरिटी और सर सामाजिक समृद्धता उसमें सर नहीं, जरूरत से ज़्यादा सिक्योरिटी जब हो जाती है तो लोग लेथार्जी रहते हैं, पड़े रहते हैं कुछ काम, एक दो लोग घर के सिंसियर लोग रात दिन खटते रहते हैं, सबको खिलाते हैं और बैठे रहते हैं, तो ये अच्छी चीज़ थोड़े है जी सर। अगर ऐसी स्थिति होगी तो थोड़ा सा, लेकिन अगर उसमें सभी लोग सक्रिय रहेंगे सर तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी। उसमें कहाँ रहते हैं इसीलिए तो कह रहे हैं कि जब न्यूक्लियर फैमिली हो जाएगी सुधर जाएंगे, जो आउट ऑफ प्रमोशन जो बचे रहेंगे तब कुछ करेंगे, जब तक खाना और रोटी उनको मिलती रहेगी कहाँ करते हैं सर? सर वो न्यूक्लियर फैमिली में मुझे लगता है सर कि अगर न्यूक्लियर फैमिली वाला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो सोशल फैमिली संयुक्त परिवार में भी निभाए तो संयुक्त परिवार तो सर अपने आप ही समृद्धशाली होगा समाज के लिए। संयुक्त परिवार का वेतन जो है ये चिंतनीय विषय है कि इसे हेल्दी डेवलपमेंट आपके हिसाब से? सर मुझे लगता है सर चिंतनीय है। चिंतनीय जी सर। अच्छा ये बताएं आप कि इस समय देश के सामने सबसे बड़ी कौन सी समस्या है अपने देश का, भारत के सामने? सर भारत किसानों की समस्या सर प्रमुख समस्या है। कुछ नहीं जी, ना कौन सी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है देश का? जनसंख्या? नहीं सर, जनसंख्या सर समस्या नहीं है सर। क्यों? अगर सर जनसंख्या संसाधन में परिवर्तित हो सकती है सर। अच्छा जलवायु परिवर्तन ये है सर समस्या की? नहीं जी सर, दुनिया के सामने तो है। यस सर, दुनिया के सामने भी है, देश के सामने। आतंकवाद है सर? तब ये सब बताइए, आतंकवाद दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या क्यों है इस समय? सर आतंकवाद की वजह से सर जो सांस्कृतिक आर्थिक और सामाजिक तीनों स्तरों पर सर नुकसान हो रहा है सर, पूरे वैश्विक परिदृश्य को भी और साथ साथ अपने देश को भी। अच्छा भारतीय संविधान भी कुछ पढ़े हैं आपने पूछे तो क्या सवाल बताएंगे? जी सर। आप जनरल बीच में तो रहते हैं जी सर, बताइए संविधान में नवीं सूची जुड़ी है 9th शेड्यूल जी सर, उसका क्या उद्देश्य था, क्या वो उद्देश्य प्रबल जो सर हो पाया या डिफीट हो गया? सर पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए सर जुड़ी है। नहीं नवीं सूची बड़ा प्रचलित है भाई, बड़ा सर सॉरी रिकॉर्डिंग। नवीं सूची जोड़ी गई थी ताकि कोई मामला जुडिशियल रिव्यू से बच जाए। यस सर, यस सर। लेकिन बचा नहीं कोई, उसको शेड्यूल में जो विषय रखे गए थे उनका भी जुडिशियल रिव्यू हुआ तो बस डिफीट हो गया। कोई पहले एक मूलाधिकार था कुछ दिन पहले, अब नहीं है, कौन सा मूलाधिकार था? संपत्ति का अधिकार सर। अच्छा किस समय ये अधिकार खत्म हुआ? सर 1978 में सर। कौन सी ऐसी भारतीय संविधान की बातें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर को बनाती हैं संविधान की? हेलो सर वो नमस्ते बच्चा, हम जरा मीटिंग में बात बात करें। प्रियम्बल खास बात है सर, है ना? प्रियम्बल में खास बातें क्या क्या है सर? प्रियम्बल में सर हम कुछ अधिकार हैं जैसे स्वतंत्रता समानता और न्याय, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक न्याय और अंत निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सब अवधारणा जो है सर ये मूल संविधान की मूल अवधारणा गणराज्य क्या होते हैं सर? जब राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जो है वो अनुमानसिक ना होगी सर जनता के द्वारा चुना जाएगा तो वो सर वहाँ प्रधान गणराज्य कहलाएंगे। ब्रिटेन में गणराज्य है? नहीं सर गणराज्य नहीं होगा सर, गणराज्य नहीं है जी सर। अच्छा ये बताइए ब्रिटेन में तो कोई मूलाधिकार नहीं है,
लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा न्याय स्वतंत्रता है बिना मूलाधिकारों के, व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहाँ सबसे ज़्यादा है। क्या कौन सी है जो उनकी स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करती है जब मूलाधिकार नहीं है? सर उनका संविधान में, सर जो संविधान लिखित संविधान ही नहीं, लिखित संविधान नहीं है सर, वो एक तरीके से सर जो परंपरा है कल्चर से जो डेवलप हो रहे हैं सर, वो संविधान उनका है सर, लिखित संविधान नहीं है सर, वही से सर उनको अधिकार मिलता है सर। अच्छा, वहाँ न्यायिक वहाँ न्यायपालिका सर्वोपरि है कि संसद सर्वोपरि है? सर्वोच्चता संसद की है कि न्यायपालिका की? सर न्यायपालिका वहाँ सर्वोच्च नहीं है सर, संसद है। जी सर, वही कहिए आप, संसद है सर्वोच्च, कौन नहीं है उसको क्या होता है? जवाब पूछा गया कौन है तो कहिए कि संसद सर्वोच्च है। ये बताइए, अभी सर ने पूछा आपसे एक सवाल कि ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियस फैमिली, पूरी दुनिया में न्यूक्लियस फैमिली को लेके एक बहस चली हुई है जी, और न्यूक्लियस फैमिली जो है वो एक बड़े क्रिटिकल फेज से गुजर रही हो, क्या है बड़ा डिबेटेबल इशू है पूरी दुनिया। सर सॉरी, मैं एकदम डिटेल नहीं बता पाऊंगा सर क्या मुख्य मुद्दा है। मुझे लगता है कि सर अगर आप हैं तो मैं कुछ गेस कर सकता हूँ। एग्जैक्ट ऑफ सर पॉइंट, सर न्यूक्लियस फैमिली में सर समस्या ये होगी सर कि आजकल की स्थिति में सर जो डिबेट हो रहा है, मैं इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप मैगजीन न्यूज़पेपर और नेट वगैरह से वेल ऑफ होंगे तभी आप बता पाएंगे इस चीज़ को। किस करके, चलिए किस करके बताइए कि आप जान रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं सर, क्या समस्याएं आ रही हैं जो वर्ल्ड वाइड है? सर कार्यशील दंपत्ति जब अगर सर न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग में है तो सर बच्चों के साथ सर बच्चों की परवरिश वाली समस्या सर इसमें ज्वलंत रूप में है। अच्छा जी सर, एक एक ही सर, ठीक है चलिए मैं समझ गया। एक्चुअली इस समय पूरी दुनिया में इस बात को लेकर बहस चली हुई है कि तमाम लोग जो है एकाकी जीवन बिता रहे हैं जी, तमाम देशों में जी सर, और लोगों ने क्या कर रखा है कि कुत्ते पाल लिए हैं, बिल्लियाँ पाल ली हैं, उनके साथ अपना शाम को बाहर हो जाते हैं जी जी, और किसी से कोई उनका मतलब नहीं। पूरी दुनिया जो है वो डिप्रेशन से गुजर रही है, जो युवा पीढ़ी है वो किसी से बात नहीं कर रहे, मोबाइल पर लगे हुए हैं, अपने कुत्ते से वो कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, नेट चला रहे हैं, और इसके लिए दुनिया में देश है इसका नाम स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ऐसा है जो हम पे जो सुसाइड करने को उन्होंने लीगलाइज कर रखा है, या अपनी जानकारी ले रख लीजिए जी सर। सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो रही है जो बहुत क्लाइमेक्स पर जिन लोगों को पहुंच गया, और जो लोग ये सोचते हैं हमको मतलब कि निकाल कर से मरना ही है, मतलब बहुत हो गया तो हाँ, तो उसके लिए वहाँ पर उन्होंने अपनी क्लिनिक्स खोल रखे हैं, तो वहाँ जाइए और जो उनका प्रोसेस है उसके थ्रू अपना घर ही नहीं सुला देते हैं और आप अनंत यात्रा पर निकल जाते हैं। तो ये डिप्रेशन की जो समस्या है इस पर बड़ा डिबेट चल रहा है पूरी दुनिया में कि जो न्यूक्लियस फैमिली कोई बात ही नहीं कर रहा है। आप वैसे भी देखिए आपके पड़ोस में भी वो कल्चर जहाँ भी आ रही है, लोग पड़ोस में हैं, किसी को पता ही नहीं है बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है, सोसाइटल टेंडेंसीज गोइंग टू बी डेवलप वेरी फास्टली न्यूक्लियस फैमिली ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। आप देखिए मल्टीनेशनल लोग काम करते हैं, मैं तमाम लोगों को जानता हूँ, वो आते हैं और कहते हैं कि साहब वो हमको यही पता नहीं लगता कि हम कहाँ सोए हुए हैं, इतना उनके ऊपर बर्डन होता है, और सवेरे उठते फिर वो अपना तैयार और उनको नहीं टिफिन तो सब तैयार करते, फिर तो बात ही बन जाती है सारी समस्या हुई टिफिन से तो शुरू हो रही है कि सब कुछ फास्ट फूड पर आके तो कुछ भी जो है न्यूट्रिशियस तो रहा नहीं, एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल, जब सब कुछ आर्टिफिशियल होगा तो फिर क्या होगा। अच्छा, आप डिफेंस स्टडीज आपने लिया, कुछ पढ़ा है आपने क्या डिफेंस में? जी सर जैसे yes. पढ़ा है सर, पढ़ा। क्या पढ़ा आपने उसको, जो कोई किताब उताब पढ़ी है, कुछ और पढ़ा हो या कोई कोचिंग पढ़ी, नोट पढ़ा सर, जो भी इसका सिलेबस है पाठ्यक्रम सर एक बार पढ़ा। अच्छा, कोई किताब उताब नहीं पढ़ी होगी? पढ़ी है सर। अच्छा, जेम्स श्रीवास्तव जी की सर राष्ट्रीय सुरक्षा की किताब, और सर बाकी सर अपना जो स्टडी मटेरियल है मैंने इसमें पढ़ा जो खुद से बनाया। नेशनल सिक्योरिटी के बारे में क्या जानते हैं?
डिफेंस आपने लिया है? जी सर। क्या है सर, राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्र के नागरिकों की उत्तरजीविता जो होती है उसकी भी रक्षा सर, वो प्लीज सर और कॉन्सेप्ट को हम राष्ट्रीय सुरक्षा कहेंगे? नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मीन्स है जी एंड मीन्स ये दोनों बदल गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको आप सीमा और ये सब बता रहे हैं जी, इससे हट के राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा हो गई है। ये परिभाषा जो आप बता रहे हैं जिस किताब का नाम लिया जेम्स श्रीवास्तव की, वो द सो मेनी वाटर हैज बीन फ्लोन ओवर द हेड, वो बहुत पानी ऊपर से निकल चुका है। उस जमाने की बात आप बता रहे हैं कि जब ब्रिटिश साइंस लोग पढ़ा करते, आपने कहीं कोई पुरानी किताब पा ली अपना जी सर, मतलब गुजारे भत्ते वाली बातें हैं आपकी। तो मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा तब में और अब में, 47 के पहले जी जो राष्ट्रीय सुरक्षा थी जी, वो मतलब मिलिट्री ओरिएंटेड थी। अब सर वो ह्यूमन डेवलपमेंट ओरिएंटेशन, अब वो नॉन मिलिट्री ओरिएंटेड हो गया। यस सर। और विशेष रूप से जो जिसको हम कहते हैं सतत और समावेशी विकास जी सर, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का कोर इशू बन गया है सर। ठीक है जी, उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं जी सर। जब सतत और समावेशी विकास आ गया तो उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। और विकास का ही दूसरा नाम जो है वो शांति है। विकास है तो शांति है, और शांति है तो सुरक्षा है। ये कोई एमिनेंट आदमी बताइए जिसकी वर्ल्ड वाइड जो नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन जो है एडमिट की गई है। आपने जेम्स श्रीवास्तव का ही नाम लिया, उन्होंने कहीं कुछ भी जरूर किया होगा इस किताब में, पतली सी किताब होगी मैं समझता हूँ जी सर। है? जी सर, मैकल मारा जी हैं। मैकल मारा ने नेशनल सिक्योरिटी को ऐसी परिभाषा दी जो वर्ल्ड वाइड वो सर डेवलपमेंट से जोड़ के बताया उन्होंने। डेवलपमेंट से जोड़ के की बात है, नेशनल डेवलपमेंट सर विकास से जोड़ के उन्होंने सर राष्ट्रीय सुरक्षा को परिभाषा। मैंने ये कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे एग्रीड और एडमिटेड डेफिनेशन कौन सी है जिसको सब लोग मानते हैं, चाहे मैकल मारा से लेके और नेहरू से लेके वो माओ ज़ेडुंग तक सभी मान रहे हैं उसको जी सर। सर कोई राष्ट्र वहीं तक सुरक्षित है जहाँ तक उसको अपने हितों का बलिदान ना करे, अगर उसके ऊपर युद्ध थोपा जाए तो युद्ध से किसने कहा है? Who told it? समस्या फिर वही खड़ी होगी कि आपने ये वाल्टर लिपमैन ने ये बात। यस सर, थैंक यू सर, लिपमैन की परिभाषा। वाल्टर लिपमैन। यस सर। अच्छा ये बताइए, दुनिया में जो ट्रेड चल रहा है और जो ट्रेड है वो उसमें एक देश ऐसा है जो बड़ा ऐसा रोल प्ले कर रहा है जिससे पूरी दुनिया भयातुर है, तो कौन सा देश और क्या कर रहा है? सर चाइना देश है। वो सर मैन्युफैक्चरिंग में उसने सर बहुत अच्छा काम कर लिया है, तो उसके सर प्रोडक्ट्स काफ़ी सस्ते हो जा रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सर वो डंपिंग कर देगा सर। तो सर सबका सर ट्रेड डेफिसिट लगा रहा है इस वजह से। दुनिया इस पर बहुत चिंतित है सर, भारत के साथ भी व्यापार घाटा है, अमेरिका भी सर आयात शुल्क लगा रहा है सर उसके ऊपर, उनके साथ ट्रेड डेफिसिट चल रही है सर। तो चीन ने सर सुबह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा काम किया वर्तमान में सर, व्यापार घाटा उसी वजह से। स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या इंपॉर्टेंस है? सर वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में सर सर इकोनॉमिक वार चल रहा है। नहीं, मैंने स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है सर। स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सर वो स्ट्रेटजिक समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे, रणनीतिक दृष्टि से जी सर। जैसे सर वो भारत में भी स्थिति है, उसने इस ट्रेड डेफिसिट के माध्यम से सर मैं स्पष्ट करूँ सर, डोकलाम इशू पे सर वो एक तरीके से भारत से क्योंकि व्यापार उसका इशू इतना ज़्यादा है सर, और ट्रेड डेफिसिट भारत के पक्ष में, हम उसके पक्ष में झुका हुआ है चीन के पक्ष में, तो डोकलाम इशू पे सर भारत का बहुत ज़्यादा काउंटर नहीं करता है। स्ट्रेटजिक से यहाँ जो सेंस है सिर्फ डोकलाम से भारत से, स्ट्रेटजिक से उसका मतलब ये है कि वो पूरी दुनिया में जैसे कॉलोनी डेवलप कर रहा है जी सर, और वो जो कॉलोनी जो है नई देशों में डेवलप कर रहा है वो सभी कॉलोनीज आने वाले टाइम में उसके बेस का काम करें जी सर, सो दैट ही कैन लॉन्च एनीथिंग फ्रॉम एनी क्वार्टर। यस सर, अगेंस्ट एनीवन, अगेंस्ट एनीवन यस सर, राइट जी सर। मैं हम तो यहाँ हैं, और चले आए थे, तो आप ने पहला आप सम क्या दिया है? जी सर, डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर, ऐसी क्या क्वालिटी आप महसूस करते हैं कि आपको डिप्टी कलेक्टर बना दिया? अगर वो पूछें आपसे आपने पहला ऑप्शन ये दिया है और क्यों आपको डिप्टी कलेक्टर बनाया गया, क्यों डिप्टी एसपी बनाया गया?
सर डीटीएसपी के जो कार्य है सर वित्त बोर्ड है उसके डायमेंशन बहुत सारे हैं। डिप्टी कलेक्टर के जो कार्य है सर वो विविधतापूर्ण है सर, वो काफ़ी क्षेत्रों में काम करता है सर, जनता से सीधा जुड़ता है। और सर चूंकि मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हूँ सर, तो वहाँ पे सर मुझसे थोड़ा सा टीम के साथ मिलकर काम करने का अनुभव है, क्योंकि सर हमारा टारगेट बेसिस वर्क होता है एलआईसी में, वहाँ पे सर समय निश्चित होता है, उसमें लक्ष्य भी प्राप्त करनी होती है। तो ये सर हमारे कल्चर में सर डेवलप हुआ है। आपके कल्चर में एक्चुअली आपको जो एलआईसी का काम है वो फाइनेंस ओरिएंटेड जी सर, उसमें तो सिर्फ आपको टारगेट पूरा करना है, है? सर। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव विजन की तो उसमें जरूरत है ही नहीं है, वो तो बताइए। विजन सर हम लोग चूँकि सर वहाँ पर प्रशासन वहाँ की फील्ड मार्केटिंग अलग होती है, वो तो सिर्फ बीमा व्यवसाय ही करना होता, लेकिन बीमा व्यवसाय के साथ साथ मुझे सर वहाँ पे पूरा आप तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जी सर, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इज समथिंग डिफरेंट, इट इज रिलेटेड टू द कंप्यूटर, वो तो हार्डवेयर, दैट इज वेरी डिफरेंट, उससे तो कोई कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन का ही नहीं सर। है थोड़ा सा जब मैं टीम बिल्डिंग की बात में कर रहा था तो अगर नहीं एज ए एसडीएम आपको इसमें सिस्टम बिल्डिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन में आपको क्या होगा उसके लिए तो अलग से एक आदमी रखा हुआ है जो वहाँ पर होगा सर, लेकिन अगर वहाँ पे कोऑर्डिनेशन करना होता है सर विभिन्न विभागों के साथ, क्योंकि जो भी रणनीतियाँ बनेंगी उनको सर मुझे फील्ड पर सर एक्टिव करना होगा, तो एक टीम के साथ ही कर पाऊँगा मैं सर, अकेले तो सर कुछ नहीं हो सकता। तो वो जो सर मुझे यहाँ से मिला है कल्चर सर, वो मैं वहाँ पे उसका उपयोग कर सकता हूँ। तीन क्वालिटी बताइए, वो नाम लिख के बताइए, तीन कौन सी क्वालिटी है जो कल्चर आपको मिला है जिसको आप यहाँ एक्सक्लूड करेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे? सर एक हार्ड वर्किंग सर, और इंटीग्रिटी प्लस सर टीम बिल्डिंग। हार्ड वर्किंग नंबर टू? नंबर टू सर एक इंटीग्रिटी है सर, इंटीग्रिटी जी सर। तीसरा? एंड सर टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग यस सर। तीन ही हमने पूछा जी सर। आप ये मुझे बताइए किसी ऐसे आदमी का नाम बताइए जिसको आप जानते हैं और ये कहता होगा डिसऑनेस्ट, सुना किसी का नाम आपने आज तक अपनी पूरी लाइफ में जो खुलेआम कहता हूँ मैं सरकारी नौकरी करने जा रहा हूँ और मैं कहूँगा मैं डिसऑनेस्ट हूँ? जी सर ऐसा तो नहीं सुना। नहीं सर, छोड़िए इसको। नंबर टू आपने दूसरी चीज़ बताई, क्या बताया दूसरा? टीम बिल्डिंग। अच्छा टीम बिल्डिंग ये सरकमटेंशियल है, सरकमटेंशियल है जी सर, वो तो समय बताएगा कि आप टीम बिल्डिंग की लीडरशिप आप में है और टीम को आप कितना अपने उसमें इन्फ्लुएंस में कर पाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या बताया आपने? डिसिप्लिन। हर आदमी जो गवर्नमेंट सर्विस इंटीग्रिटी, हाँ इंटीग्रिटी जो है इंटीग्रिटी तो ठीक है, इंटीग्रिटी गवर्नमेंट सर्विस में द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इंटीग्रिटी, लेकिन वो एक अफसर की क्वालिटी में नहीं आता है वो तो इंटीग्रिटी, तो आपको एक कल्चर है जो डेवलप करे अगर आप मतलब उसके लिए अलग से कहीं कोई पैमाना नहीं की जाती है अफसर किसी काम लायक नहीं। हाँ नहीं, हमने खुद लिखा है कि He lacks the basic ingredient of integrity. मैंने खुद ही NCR लोगों के लिखा है, उसको ले तो 17-18 साल केस चला ट्रिब्यूनल तक में गया होगा। तो ये बताइए आप कि जो असली चीज़ है एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वो आपने नहीं बताया, ये पहली क्वालिटी आपने होनी चाहिए एबिलिटी टू टेक क्विक डिसीजन, क्षमता वो आपने कहीं नहीं रखा, त्वरित निर्णय क्षमता, नेतृत्व क्षमता, समन्वय क्षमता, ये सब चीजें जो है ठीक है ना, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, ही शुड बी ए वेरी गुड कैपेसिटी ऑफ टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। एंड नंबर टू, अब मैं दो ही बताऊंगा, तीसरा आप देख लीजिएगा। नंबर टू, ही शुड हैव ए वेरी एक्सीलेंट कैपेसिटी ऑफ इलास्टिसिटी, उसके अंदर परिस्थितियों के हिसाब से लचक कहते हैं, फ्लेक्सिबल होने की मतलब परिस्थितियों के हिसाब से अपने को एडजस्ट कर लें, वो हो चुकी है, जहाँ घुराने की जरूरत है वहाँ हंटर निकाल लें, जहाँ पीठ थपथपाने की जरूरत है वहाँ पीठ थपथपा लें। अच्छा, आयुष्मान भारत योजना और जीवन बीमा योजना जी सर, इन दोनों में क्या संबंध है? आप जीवन LIC में काम कर रहे हैं जी सर। आयुष्मान बीमा योजना जो चाहिए सर, ये बेसिकली जनरल इंश्योरेंस है, स्वास्थ्य बीमा है सर, और भारतीय जीवन बीमा सर वो जीवन बीमा है सर, वहाँ पे सर लाइफ का सर स्वास्थ्य भी जीवन पे ही काम है जी सर, लेकिन वो जैसे बटा हुआ सर जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के अलग अलग ब्रांच हैं सर बीमा में, तो लाइफ इंश्योरेंस कवर करते सर केवल बीमा लाइफ के और उससे रिलेटेड उससे जो कैजुअलिटी एक्सीडेंट्स होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए नहीं कोई स्कीम है? नहीं है सर हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है सर जी सर आयुष्मान से अलग। आयुष्मान भारत योजना है क्या सर? सबके लिए है या किसी विशेष वर्ग के लिए है? नहीं सर, विशेष वर्ग के लिए है, जो सामाजिक आर्थिक जनगणना में जो लोग पिछड़े हुए हैं उनके लिए सर है,
5 लाख का लाइव कवर लेता है सर, करीब 50 करोड़ लोगों के सर कवर कराया सर। अच्छा जी सर, इसका आंसर वो देना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट पड़ेगा? जी नहीं सर, निःशुल्क है। नहीं सर, इंस्टॉलमेंट निःशुल्क है जी सर, एक पैसा भी नहीं देना है जी सर। एक कोई फैक्टर ऐसा बताइए जो लाइफ स्टाइल, वार और पीस तीनों में इक्वली इम्पोर्टेंट है, एक सब बताइए कौन सा फैक्टर है वो? लाइफ स्टाइल, वार एंड पीस। एक ही शब्द में बोलना सर, एक ही चीज़ है जिसकी वजह से, जैसे आपसे कोई पूछे वो कौन सी मिठाई है जो सभी भारत के देशों में बड़ी प्रचलित, भारत के सभी प्रांतों में प्रचलित है, तो आप भाई एक ही मिठाई को बताएंगे ना जो हर जगह पसंद की जाती है, भगवान को चढ़ाया जाता है। मान लिया आपने कहते हैं लड्डू, तो निचोड़ सी बात है कि जहाँ भगवान के मंदिर हैं वो हर प्रांत में लड्डू चढ़ाया जाता है, तो लड्डू में आ गए भाई ठीक है, वो एक कॉमन डिश तो है वो। हित होता है सर, हित नहीं, मैंने एक फैक्टर बताया है हित, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउडेज एंड दैट इज प्लेइंग वेरी क्रूशियल रोल एज फार एज लाइफ स्टाइल इज कंसर्न, सोशल रिफॉर्म इज कंसर्न, वार इज कंसर्न एंड पीस इज कंसर्न, दैट इज द स्ट्रेंथ बिल्डिंग फैक्टर दैट इज टेक्नोलॉजी। नाउ चंद्रन सर ने पूछा था आपसे कि कुशल नेतृत्व करता है, सोशल वर्क में भी आपने पढ़ा होगा कहीं पर कि कुशल नेतृत्व करता में कुछ अनिवार्य गुण होने चाहिए, कहाँ पढ़ा है? सर समूह समाजकार्य में सर समाज कार्यकर्ता को सर अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए सर। कौन कौन से गुण होने चाहिए सर? बताया ओबीस में सर निर्णय की क्षमता भी है उसमें, सरकार से व्यक्तित्व होना चाहिए उसके अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, लोगों को साथ ले चलने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर, ये सारे गुण होने चाहिए। लोगों साथ ले कुछ दूसरा सकते हैं अपने लेमन तरीके से बताया एप्रोप्रिएट टर्म क्या है? चलिए आपने समूह समाज के बारे में पढ़ा, सेटलमेंट हाउस आंदोलन के बारे में पढ़ा, क्या है क्या था, किसने शुरू किया गया? चंद्रकांत जी बताइए, जैसे समाज का पढ़ते समय उसने आपने एक यूनिट पढ़ा होगा समाज का शोध, तो समाज का शोध और सामाजिक शोध सोशल वर्क रिसर्च एंड क्या है सोशल रिसर्च, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर सोशल वर्क रिसर्च होता है जो समाज का अभ्यास के दौरान जो समस्याएं आती हैं कर्ता के पास, उन समस्याओं पर निस्तारण करने के लिए सर समाज का शोध होता है, जबकि सामाजिक शोध जो होता है जो सामाजिक विषय को उन्नत बनाने के लिए। ठीक है, दोनों बेसिक डिफरेंसेस क्या है? बेसिक डिफरेंस सर मुझे पता है सर, आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि हां मैं दोनों सब में आप डिफरेंस दोनों के बीच क्लियर कर सकते हैं। वो समाजकार का जो शोध है सर वो बेसिकली वही है कि किस तरह से जो हमारे जो प्रणाली हैं उनको सशक्त बनाया जाए, और जो कर्ता जो समस्याओं को समाजकार का जो शोध होता है वो किन तरीकों से होता है? सर हमेशा आपका शोध होता है, शोध की प्रकार की बात आप कर रहे हैं प्रक्रिया प्रोसेस सर वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से शोध होता है। शोध की दो प्रक्रियाएँ हैं इसमें, एक को प्रत्यक्ष शोध कहते हैं, दूसरे को आप क्या कहते हैं सैंपलिंग मेथड? जी सर, है ना, क्या कहते हैं उसको? नहीं शोध प्ररचना अलग है, रिसर्च डिजाइन अलग है ना, ये है शोध में आपने पढ़ा होगा सैंपलिंग मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, जिसे जनगणना होती है उसमें प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना जरूरी होता है, लेकिन डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करता है तो सैंपलिंग मेथड और अच्छी। चलो ठीक है, पहले आप तुरंत जवाब न दीजिए क्या पूछने वाले का मंतव्य क्या है, और उसके बाद एक दो सेकंड देखिए कि हम जानते हैं कि नहीं,
अगर नहीं जानते हैं तो सारी सर तो यह सवाल पूछ जाएगी, क्योंकि कोई आदमी सर्वे के नहीं, ये नहीं कि आप ना जानते हैं तब भी बताएं। आप LIC में है ना जी सर, आपका जो पंच लाइन है योगक्षेम वहाम्यहम जी, इसका मीनिंग क्या होता है? किस ग्रंथ से लिया गया है? सर गीता से लिया गया है, भगवद गीता से। और सर इसका अर्थ होता है कि जो चीज हम LIC के परिप्रेक्ष्य में बताएंगे सर, इसका जो है शास्त्रीय का है उसको पहले शास्त्रीय का बताइए, जब वो उसके बाद LIC के परिप्रेक्ष्य बताइए सर। शास्त्रीय उसका परिप्रेक्ष्य में सर मूर्त और अमूर्त जो भी है सर, मैं उसके लिए रक्षा की जिम्मेदारी ले रही है सर। गीता में किसने किससे कहा है इसको? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। और LIC के परिप्रेक्ष्य में है कि सर जो भी प्रीमियम या इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हैं उसकी रक्षा और आपकी जो लाइफ वैल्यू है उसकी भी रक्षा की जिम्मेदारी। गीता में एक बात दुर्योधन ने कृष्ण से कहा है और बड़ी महत्वपूर्ण है आचरण शास्त्र के अंदर, आप सोच सकते हैं क्या है? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं जानता हूँ क्या वांछनीय धर्म है उससे उसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं है, ये भी जानता हूँ क्या अवांछनीय अधर्म है इन उससे छुटकारा नहीं है, निवृत्ति नहीं है। ये दुर्योधन ने कहा जी सर, ऐसा नहीं है, सब जानते हुए आदमी गलती करता है। एक और शब्द है जरा आप उसको भी आप सुनो, धरती और आकाश सबकी सुरक्षा हमारी, किसका है ये? धरती और आकाश सबकी सुरक्षा हमारी, ये ओरिएंटल इंश्योरेंस का ठीक है, आप नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस के लिए है तो यू मस्ट नो इट। नहीं नहीं सर, आप अच्छी तैयारी आपकी जरा और तैयारी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।